प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 6 का 24 से 34 वचन लेकर आई हूँ, परमेश्वर और धन। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस वचन में कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रचार कर रहे थे और स्वर्गीय बातों का प्रकाशन बांट रहे थे। तब यहाँ लिखा है इस वचन में कि प्रभु ने कहा कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। परमेश्वर यहाँ कहते हैं, मेरे प्रियो, कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। परमेश्वर इस वचन में स्पष्ट रूप से यह सिखा रहे हैं कि मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों से प्रेम नहीं रख सकता, क्योंकि जो धन का लालच रखे या दिन रात उसी के विषय में ध्यान किए रहे, वह परमेश्वर की ओर फिर चित्त नहीं लगा सकता। भाइयों बहनों, बाइबल धन कमाने के विषय में कभी मना नहीं करती, ना ही बाइबल धन कमाने के खिलाफ है। यहाँ परमेश्वर धन की सेवा के विषय सिखा रहे हैं। सेवा अर्थात दिन रात धन के विषय ही सोचते रहना गलत है, और यदि दिन रात धन के विषय ही सोचेंगे तो स्पष्ट है यह धन की सेवा ही है, अर्थात धन को अधिक कमाने के लिए गलत गलत रास्तों को भी अपनाएंगे, जो कि पाप है और जिस कारण परमेश्वर से फिर हम दूर होते जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। किसी एक को अधिक समय देने के लिए किसी दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा, अर्थात एक से बैर तथा एक से मेल रखना होगा। मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक धन संचय करने के विषय ही सोचता है तथा फिर उसके लिए हर प्रकार की चिंता में लगा रहता है, जिसके विषय परमेश्वर आगे कहते भी हैं कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, आज के समय में यही हो रहा है। हम परमेश्वर से अधिक अपने खाने की, पीने की तथा पहनने की चिंता में लगे पड़े हैं तथा उसी के लिए हम परमेश्वर को पीछे छोड़ धन की सेवा टहल करने लग पड़ते हैं, जबकि यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हमें चिंता नहीं करनी कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारा प्राण भोजन से बढ़कर परमेश्वर के लिए प्रिय है तथा शरीर वस्त्र से बढ़कर। तो हमें किसी भी विषय कोई चिंता नहीं करनी, जिसके लिए आगे वचन में परमेश्वर सिखाते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? और प्रभु कहते हैं कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। यह सत्य है भाइयों बहनों कि आकाश के पक्षी ना बोते हैं ना काटते हैं ना खत्तों में बटोरते हैं, अर्थात वे अपने लिए आने वाले समय के लिए संचय भी नहीं करते, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें हर दिन खिलाता है। क्या अद्भुत है यह। हमारा सृष्टिकर्ता दयालु है, प्रेमी है। वे जब पक्षियों से इतना स्नेह करता है तो मेरे प्रियो, हम तो उसकी समानता तथा स्वरूप में रचे गए, उसकी संतान है, तो फिर वह हमारे जीवन भर की जरूरतों को हमें क्यों ना देगा? क्योंकि प्रभु तो कहता है यहाँ कि तुम्हारा मूल्य तो पक्षियों से अधिक है, और प्रभु ने ये भी कहा कि क्या चिंता करके तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो? नहीं, हम चिंता से आयु बढ़ा तो नहीं सकते, परंतु घटा सकते हैं। तो प्रभु हमें इन विषयों के लिए चिंता छोड़ने को कह रहे हैं, और आगे प्रभु कहते हैं कि वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं,
यह स्पष्ट है मेरे प्रियो कि हम मनुष्य हर दिन क्या पहनेंगे, हमारे वस्त्र कहाँ से उपलब्ध होंगे, इन व्यर्थ की बातों में अधिक मन लगाते हैं, जबकि परमेश्वर हमें इन बातों की चिंता करने और इनकी ओर मन लगाने के लिए मना करते हैं और कहते हैं, जंगली सोसनों को देखो, अर्थात जंगल की घास फूस जो खुद ब खुद उग जाती है, वो भी परमेश्वर हर दिन उगाता है, जबकि वहाँ कोई परिश्रम भी नहीं है। और प्रभु ने कहा कि तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है कल भार में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। परमेश्वर यहाँ स्पष्टता से समझा रहे हैं मेरे प्रियो कि मैदान की घास जो आज है और कल आग में झोंक दी जाएगी, जब परमेश्वर उसे हर दिन ऐसा बनाता है, तो फिर वह तुम्हें क्यों ना उत्तम वस्त्र पहनाएगा जो उसके प्रिय हो। तब परमेश्वर का वचन आगे हमें सिखाता है कि इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर साफ साफ कहते हैं यहाँ कि इन सब संसारिक वस्तुओं की चिंता तो अन्य जाति दिन रात करते रहते हैं, जो कि सच्चे परमेश्वर को जानते ही नहीं, परंतु हम तो उस सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर को भली भांति जान चुके हैं, तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम इन सब वस्तुओं की चिंता करें। हम तो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। फिर आगे परमेश्वर ने कहा कि इसीलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और कहा कि कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, तो हर वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। जब हम अपना समर्पण परमेश्वर में पूरी तरह कर देते हैं तथा अपनी हर चिंता उसी पर डाल देते हैं तथा केवल और केवल उसकी धार्मिकता में अपना जीवन बिताते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता मेरे प्रियो कि कब खुद ब खुद हमारी सब जरूरतों को हमारा परमेश्वर पूरा कर देता है। वैसे तो परमेश्वर सदा सबका ध्यान रखता है, क्योंकि वही सृष्टि का मालिक तथा पालनहार है, परंतु यहाँ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है जो उसे स्वीकार कर चुके हैं कि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, कि हमें सर्वप्रथम उसकी धार्मिकता तथा उसके राज्य की खोज करनी चाहिए, फिर हमें अपना तथा अपने कल के विषय कोई चिंता नहीं करनी है कि हमारे भविष्य कैसा होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ, हमारा घर या अन्य प्रकार की चिंताएं जो मनुष्य करता है, ये सब व्यर्थ हैं, जिसका कोई लाभ नहीं। ऐसा करके तो हम केवल अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं तथा फिर बीमार पड़ जाते हैं, जो हमारे लिए गलत है। मेरे प्रियो, जब हमने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया कि वे आकाश के पक्षियों से लेकर मैदान की घास तक का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, तो हम तो उसकी निज संतान हैं, वह कैसे फिर हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करेगा। वे अवश्य हमारी जीवन रूपी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। और फिर मनुष्य अपनी इन संसारिक चिंताओं में डूब कर गलत तरीके से धन कमाता है तथा दिन रात फिर उसके विषय ही सोचता रहता है, जो कि उसे परमेश्वर से दूर ले जाता है और पाप में ढकेल देता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। तो भाइयों बहनों, आइए हम अपने को जांचें और सीखें इस वचन से कि क्या हम भी तो धन की सेवा टहल में नहीं लगे, और क्या हमने भी तो अपने को भविष्य की चिंताओं में डुबो नहीं रखा कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। यदि ऐसा है तो आज ही से इस वचन को सीखकर हमें अपनी चिंता अपने परमेश्वर को देनी है तथा उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है, जो उसका वचन तथा उसकी आज्ञाएं हैं, तो ये सब जीवन रूपी वस्तुएं हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी। हमें उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
बस सदा परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना से जुड़े रहें तथा अपने को धन के लालच से तथा व्यर्थ की चिंताओं से बचाए रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाइयों बहनों कि हमें कमाना नहीं है, कमाना है। खुद प्रभु यीशु अपने पिता के साथ मिलकर काम किया करते थे, परंतु यहाँ इस पूरे वचन में धन का लालच तथा चिंता करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि धन का लालच करना या उसकी सेवा करना हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। और चिंता करना तो बाइबल में पाप करने के समान है। जब हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है तो हमें उस पर विश्वास भी करना है। हम चिंता करके विश्वासी नहीं अल्पविश्वासी बन जाते हैं, जो कि गलत है। तो ऐसा ना करें, निरंतर अपने परमेश्वर का ध्यान करें तथा उसकी धार्मिकता में सदा बने रहें। वह आपको उत्तम वस्तुओं से आशीषित करेगा, जैसा बाइबल सिखाती भी है कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। परमेश्वर हमें हर एक भौतिक वस्तुओं से आशीषित करेगा, हमें केवल धन के लालच से और धन की भरमाने वाली बातों से खुद को निरंतर दूर रखना है और अपनी सभी चिंताओं को अपने यहोवा परमेश्वर को देना है। वह योग्य है हमें हर चिंता से और हर एक भरमाने वाली बातों से दूर रखने के। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।